राधा स्वामी, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि सब पैसा। राधा स्वामी का मतलब जो लिखने वाले देखा राधा स्वामी पंथ थे जो सालिग्राम, उनने कहा राधा आदि सूरत का नाम। राधा आदि सूरत कौन सी बोल दिया आपने अंदर ये, और स्वामी आदि सब पहचान जो आखिरी रावणा हो उसको पहचान। तो राधा स्वामी का मतलब क्या बताया है, राधा आदि सूरत का नाम है और स्वामी आदि सब पहचान। राधा स्वामी के लिए बात बताई तो इसमें भेद क्या रह गया इसमें, ये तो वही सनातन में सब यही तो है, इस तक पूछा ही नहीं लोग। राधा कहते, राधा स्वामी कहे राधा आदि सूरत का नाम। राधा आदि सूरत कौन सी, आ जो बोला अपने ने, आर्या क्या है, ईश्वर का अंश है, उसी का जो ईश्वर में गुण है वो इसमें, जो ईश्वर में गुण है क्या गुण है उसी ईश्वर के अंदर। अकह अपार अगाध अनामी तो वही इसका गुण है, या अकह है कहने इसका कैसे, अपार है इसका पार नहीं पा, अगम है ये इसका कोई था नहीं पा सकता, और अनामी है जो कुछ वो परमात्मा है वही गुण इसका ही, जो ईश्वर के अंदर तो वही होगा ईश्वरीय गुण। तो इसके लिए क्या कहेगा, सब कहीं छोड़ा अब देखो बंध्या रहता है बंध्या रहो। राधा स्वामी पंथ चलाने वाले ने कहा राधा आदि सूरत का नाम वही, ये सूरत पंथ तुम्हारा है और स्वामी आदि शब्द पहचान, और स्वामी आदि शब्द है परमात्मा जो आखिर बताने एक राम सभी से नारा वो है, ये उनने पहले बता दिया। राधा स्वामी ने क्रिकेट बताया राधा क्या है और स्वामी क्या है, अब कोई नहीं समझो उसने तो कसर तो नहीं छोड़ी है, सनातन से अलग कहाँ है वो, सिर्फ बात का फर्क है, तो बात उसने ऐसी कह दी। तो राधा स्वामी आदि सूरत का नाम है, लोगों ने समझा को पंथ कभी नहीं बैठे, पंथ कोई नहीं है तो बना दिया लोगों ने, राधा स्वामी कर रहा दूसरे बात नहीं करते आजकल है, दूसरे खाना नहीं खाते नहीं ऐसे छुआछूत करते हैं, ब्याज के सत्संग छुआछूत करते हैं सब, ऐसे खाना नहीं खाना इसका, ये नहीं खाना ऐसे नहीं खाते नहीं, प्रसाद भी नहीं रहना चाहते, इतनी नफरत है उनको अज्ञान के कारण। तो राधा स्वामी छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है, पर है क्रिकेट ये जिसने समझ लिया, इसे मैं कहता हूँ मैं राधा स्वामी भी हूँ, रामनागरी राम ना उसके मैं भी हूँ, देवी भक्तों के साथ हूँ, सब के साथ हूँ, सब पंथ मेरे समझेंगे उसी का नाम है, सब पंथ का मेरे मानी सब वो एक ही चीज़ है, दो दो चीज़ है नहीं, जिसने मान रखा था उसके लिए मान्यता हुआ, उसने मान लिया कि देवी आई देवी मैया देवी का लोग जागरण करते हैं नाचते हैं आगे देवी आगे देवी, अनुभव कहता हूँ कोई देवी को नहीं आई, वो क्या कहता हूँ अनुभव है कि मैं जीवता को जाऊँ तो किसी देवी आई है, देवी आई था बताओगी को नहीं, न राम बताओगा न बालाजी बताओगा न विष्णु बताओगा न शिव बताएगा, मैं नहीं खुश हूँ, वो तो सब आप पता करते हैं, इसका ज्ञान आदमी को क्या, आदमी सभी पता करते हैं सब, आप ही करते हैं आदि सूरत है ना आपकी, तो इसके अंदर ही आते हैं सब, वो करता तो जो कुछ साधना आप करते हो जो कुछ अंदर देखते हो वो सब आप पता करते हो। राम को देखा था आपने पता कर लिया, राम पर विश्वास था, देवी भक्त तो देवी को देखा था देवी आपने समझ लिया, और पता करने वाले आप, तो मैं कहता हूँ आप मेरे मकसूद, इसकी बात को बताने के लिए दाता जान ने अपने फकीर से जी को कहा तुम मरकज़ आलम है मर्द फकीर, अरे तुम जितना ज्ञानी है उसका मरकज है, घूम रही है पूरी दुनिया तेरे गिर्द हो के असीर, पूरी दुनिया गरीब बन गई तेरे सामने, जय बाबा जय कहती घूम रही है तुम मरकज़ आलम है मर्द फकीर, घूम रही है पूरी दुनिया तेरे गिर्द हो के असीर। अब ये देख बात तो कह दी समझे कौन इसको, वो खुद ही नहीं समझा क्या करेंगे, हर बात सहन में सब कह दी। तो पहले करने की विधि पहलियों में थी या गा करके थी, तो वो समझता इशारा वाला समझता था, हर एक नहीं समझता था, तो पहले तो ज्ञान तो था वो इतना सस्ता नहीं था, वो तो बताते नहीं थे, तो बताने का रुआ कहाँ चलिया
ये कलयुग का संतों ने कबीर ने नानक ने ये खुला बताया। और जब बताना शुरू किया तो पंडित पुरोहितों ने जो राज दरबार के नृत्य सेवा हो गए सब किसका होगा जुलावा है नहाने धोने कुछ हम जो तीन बार स्नान करते हैं सुबह नहाते हैं ये करते हैं वो इतने पवित्र रहते हैं। और 14 साल उन्होंने विद्या पढ़ी है फिर भी हमारा को उस चीज़ का पता है इसको क्या पता है शेख ही मारता है उनकी गलती थी तो मना ले गया उनको पढ़ाई में मना नहीं। अभी शेर साहूकार वगैरह ये कबीर के नाम पता ही नहीं किसी को कि कबीर ऐसे महात्मा है क्योंकि ज्ञान की तरफ भी रहते अगर कर्मकांड ये तो शिव जी को पानी चढ़ा दो ये कर दो वो कर दो वो कर दो दो गाले भोग लगा दो मार के कर्मकांड ही सब शेर साहूकार आप ना ये सब कर्मकांड ही जो नया नाम सुने कहीं आप संस्कारी पढ़े नया बोले कि कर्मकांड सब उसे पंडित जी बता दिया पंडित जी आ गया ऐसे कर दिया करो ऐसे कर दिया करो आपका ग्रह ऐसे ऐसे पंडित सुन अभी मानते तो पाखंडी जो रोटी खाते नोता उसको देते वो 3 दिन तक खाना बुखार है 3 दिन बुखार है यहाँ और जाके सर काटेगा फिर पेट इतना भी उसे का करेगा। तो वो एक औरत कहते हैं एक आदमी पंडित साहब बेटा दोनों के मामल बुलाए जी हमने कहा था तो बैठ गया जाके फिर खाना खाया उन्होंने खाना खाया लड़का बीच के अंदर थोड़ा पानी पी लिया तो पानी क्यों पिया है इसमें बोले वो इससे इतना जग जाए वो खाना खाया जम जाए तो फिर और खा सकता हूँ फिर एक और बारी तो मुझे क्यों नहीं बताया अभी या बात मेरे क्यों बताई मुझे बताता था मैं भी खा दो खा के ट्रांस हो गया फिर बोले भाई मेरी बहुत तकलीफ हुई ज़्यादा जिम्मे है तो मैं बोला शकर महाराज आप छोटी दो अड़ाची ले लो अरे बोलो अड़ाची अड़ाची आ गए तो दो लड्डू खा लेता जगह को नहीं तो वो कहे बड़ा बड़ा आदमी को मानते अरे वो पाखंडी वो पेट के लिए काम करते वो स्थान देखना देते हैं पेट के लिए करते तो उनको मानते अब तो उनको ज्ञान कहाँ से होगा बड़े बड़े शेर दिखते हैं पंडित जी को बुला लो पंडित जी को अजमाऊँगा फलाना कर 4 पंडित जी माऊँगा ये नहीं पढ़ते तो इसलिए ज्ञान हो नहीं सकता समझे ना। मतलब ये दुनिया के अंदर इतनी रचकीय पुरानी बात है जगह घर करिए और निकालनी मुश्किल है भाई जी। अरे खेरे गाँव में मेरे जैसे आदमी क्या निकालेंगे तैयार करके बड़े बड़े आदमी सबके सब उनको मानते हैं पंडित तो और ये बात को सही पंडित जी कहते हैं ठीक अगर मेरा ये मंगल मेरे को लाभ है अब तो मुझे लाभ होगा नहीं हम आपके 7 साल तो आपको लाभ होना नहीं चाहता और 7 साल के बाद तुमसे करिए 7 साल तो लाभ होना नहीं उसके विचार में आ गया और वैसे पूरा हो जाता समझे ही नहीं। तो ये सब के सब पाखंडी और पाखंड धर्म प्रीत नहीं है और कलयुग में सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके मेरा ईश्वर में मंजूर दिया है पर उन्होंने कहता पंथ और ग्रंथ सब छुटा करके मेरा ईश्वर में मंजूर दिया सीधा सीधा दुनिया का दाता बता करके सपना सब ये और उसमें भी मंजूर दिया ऐसी करी कृपा गुरुदेव मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया है मोह टूटे को नहीं हो और मोह टूटा के जा नहीं सकता तो मोह ज्ञान दिया जाए पूरा इसके बारे में प्रारंभ का बारे में पूरा सत्संग दिया जाए और जो क्रियामान जो भी कर्म करते उसका भी सत्संग दिया जाए और फिर संपन्न हो गया सदा के लिए अमर होना चाहता है तो उसका ज्ञान दिया जाए तो ये अलग अलग ज्ञान दिया अलग अलग शब्द बताया जाए वो जारी बात होती अलग तो ज्ञान है कोई बात समझे पर पहला पाठ ही कोई पढ़े पहला पाठ पूरा को नहीं होगा दुख सुख का मामला है और बात है दुख साथी नहीं आप सुख साथी और दुख कोई तो कुछ भी नहीं है अपने विचारों का फिर दुख है अपने विचारों का तो विचार फिर से समझ आ जाती है ये एकदम आई नहीं किसी को आती भूलता जाता है तो विचार सोचते फिर मैं पहले बताता हूँ और उसके बाद बाद में करता हूँ आन दिनों में अभी जो शैली अपनाई है वो विचार जो दुख तो है वो इधर का और मैं पट्टी बांधू हूँ शर्म में और दर्द है टांगों में तो टांग में बांधनी चाहिए तो दुनिया दुख इधर है दुखी है और क्यों दुखी है वो पहले बताता हूँ
पहले 5-4 आधा जल्द से 10 मिनट 15 मिनट इस पर बोलता हूँ, और उसके लिए कोई डट नहीं, सबके साथ दुख है, किसी के थोड़ा किसी के साथ, सबके साथ इकट्ठा करती, तो फिर वो सब जो अच्छे आदमी वो सोचते हैं ठीक है, ये तो मेरे साथ ही अभी बोल रहा हूँ, मैं बेचारा कोई नहीं से मैं, तो सब कहते ये बात ठीक है, तो जो बुद्धिमान आदमी वो मेरी बात को माने, वो कहता पढ़े लिखे बुलाना पड़े क्यों, क्योंकि किताब नहीं पढ़ेगा वो क्या फ़ायदा है, बहुत अच्छा जिज्ञासु है वो तो भगत तो हो जाएगा वो, और भगत तो विशाल कामयाब हो सके आ गए बात ये नहीं है, नहीं हो क्योंकि स्वरण से, पर वो जब किताब ही नहीं पढ़ेगा तो हम क्या करेंगे उसका, समझे नहीं, जिज्ञासा नहीं तो हम क्या करेंगे, पढ़ेगा क्या विद्वान है जिसको जिज्ञासा ही धारण नहीं चाहता तो उसको क्या दिशा देगा गुरु, ये सब बातें हैं, जिज्ञासा भी होनी चाहिए आस्था भी, और साथ साथ ही बुक पढ़ ले हो, और बुक नहीं पढ़ ले तो नेट सुन ले हो, तो बताने में तो कसर छोड़ी हो नहीं, अब आगे ही मरती, तो आप तो बताने के जिम्मेवार हैं, और आपके आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, जो आदमी काम का है, काम के सभी काम के ईश्वर से मजदूर तो काम नहीं चले, सबकी जरूरत है, पर अपने काम का वो नहीं है, कोई डेराना का काम का है वो, बगीचे में पानी देगा, ये करेगा वो करेगा, सेवा करेगा, खाना बनाएगा, सब कुछ करेगा, पढ़े लिखे कौन खाना बनाएगा क्यों बनाएगा, तो उसके पास तो सबकी जरूरत है, और सबको ज्ञान मिल जाता है, संस्कार बढ़ जाते, अपने पास आपा फ्री आदमी हो, नहीं तो आश्रम बनाना डेरा बनाना, जो पकड़ फरी होती थी वो पकड़ा आप जो पकड़ होती थी ना कभी कुछ नहीं, तो आप जानते कुछ नहीं खेलते सही, तो नहीं चेला बनाया नहीं और कुछ किया कुछ नहीं, वो पूरी कुछ रखते नहीं थे, तो पकड़ का मतलब वो था तो घर छोड़ के भाग जाता था, कुछ जाना नहीं था, भागता खाता था, और अब शैली बदलेगी, अभी कलयुग में कहता मान के खाएगा तो बोल नहीं सकता, जो खाएगा उसका अंश बनेगा, और लाने दे रोटी नहीं खाई थी, एक अमीर का गया मेरे जिम्मों का महाराज, तो दूसरा एक और को भाई था वो बहुत गरीब था, तो कह गया महाराज मेरे भी जिम्मों का, जब चलेगा अमीर बोले हाँ सर जिम जाऊंगा, और दूसरा आ गया वो कहने महाराज मेरे जिम सर, तो बड़ा प्यारा था, तो उसने कहा सर इसकी जिम थी, गरीब आदमी था, तो उसकी रोटी खाई चला गया, तुम भाई मल्दाना वगैरह खाई रहे, वो पूछा मेरे के बाहर जाए थे कि जिमने के लिए जब फल तो कुछ होता देर में से, बोले ना वो तो नहीं आए, तो वो जाए लड़ तो गया मेरे महाराज आप ठीक हो जिम है, ज़्यादा अच्छा खाना खिलाता है, ज़्यादा अच्छा खेला मेरे से, और आप उसके जिम्मे मेरे को जिम्मे, अभी रोप दिखाड़ गया, तो अभी ऐसी बात है उसका अनुसार उसे खाए नहीं, बोले कोई कारण बताओ मेरे, तो बोले ऐसे कर रोटियाँ लाओ, दो रोटी तो उसकी मंगाई, दो रोटी मंगाई ऐसे उनको बीछी, तो उस आई में से टप टप खून निकलना गया, अब तक निकलता कि नहीं उदाहरण बताते हैं, खून निकलने गया उसके अंदर से दूध टप गया, गरीब वाली रोटी दूध टप गया और अमीर का खून निकला, बोले ये तेरे में ये था इसे को खाई तेरी कवाई जरा फेरी की है, अरे सह दमी तो है पर तेरी कवाई जरा फेरी की है, तेरा अंदर खाऊंगा मेरा मन नहीं पड़ेगा, ये स्थिति और ये दो दही क्योंकि ने कमाई है मजदूर के ही रहता, तो ये गुरु नानक देव ने उसको धारण दिया है खाने के लिए, तो कलियुग के संतों ने बताया करो जी रोटी आपने कमा चुकाओ, किसी के बिना कमाई मत खाओ, मतलब ऐसे मांग के खाओगे तो कोई ज्ञान नहीं बनना, तो कलियुग के संतों ने शरीर बदल दी बहुत पहले, पर इनकी बात चलने नहीं थी, उनकी बात तो अब चली है, अब जैसे प्रजातंत्र वगैरह आ जाए हैं या इसी पर ही थोड़ा बहुत लोगों का भाव बदल गया तब सुनने लगे, तब कबीर के अब शेठ साहब और पूछे कबीर के नाम नहीं जानते, शेठ साहब और पूछे तो वो फलाना पंडित जी है वो फलाना है फलाना है राम है कृष्ण है उनके अवतारों की बात करें, और कबीर का नाम नहीं जानते, जबकि वो सबसे सरता था, अब पूरी दुनिया मान रही है पर ये तो ज़्यादा अमीर आदमी ये नहीं जानते, नाम नहीं सुनते समारोह के पंडित पंडताली से बात करेंगे पंडित फलाना या वो या वो या वो
राजाओं में बात करेंगे। समझा गया ना बात? तो मैं आपको भेद बता रहा हूँ, सुन रही सखी तुझे मरण बताऊँ, नई बात एक तो ये बताऊँ, तो नई बात बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, ये शैली पकड़ेंगे, वो बीच की शैलियाँ मत पकड़ना, पकड़िए लगाओगे तो मेरे को मुश्किल हो रही भी। बचपन से कहा है कि इतने सापा पा लिया बुंदर था, सापा बुंद का आफत लोग बुरे तंग करते, मैंने पता था वो करता ही नहीं, बैठे जाता बड़ी मस्ती से। तो मैं भी घर चला जाता हूँ तो गांव के अंदर मेरी हालत अच्छी नहीं रहूँ, साथ मेरी अच्छी नहीं रही। 20-20-30-30 का टोला बना बना के जुर्म ठुका लाएंगे, एक घर था ना, परेशान करते थे। तो मैं अफसर के पास जाता, वो मेरी बात मान जाता, कलेक्टर सीधे जाता, एस पी के जाता था, एस पी पर थानदार जल्दी तलाश करिए जल्दी पड़े, या कलेक्टर के पास जाता था और मेरी बात पर विश्वास कर लेता था। तो गांव का सबसे बदमाश है, बहुत बड़े खतरनाक आदमी है, और ठाकर साहब के साथ भी ये करिए, सबको लेड़ा है मेरा लपटम। तो अगर पोता पेता सुनते रहते हैं ना तो इस करिए नहीं आते, हर वक्त हम शुक्र है। मैं चाहता भगवान जी को सदमति दे, कोई द्वारा जी कोई दुश्मनी नहीं, जान बचाने के लिए था। कहते अपनी खुद ही रक्षा बड़ी रक्षा, अरे यार जो मेरा खड़ा है मेरा, अरे बचपनों से मेरा खड़ा है खेल, समझा नहीं तो बंक है, मेरे मेरे पीछे छुट रहे अभी, वो तो बंक है, तो वो पुराने था, दादू साल मारा था, दादू साल ले गया कैद करा रहे, बोल रहे तो वो है, और मैं मेरे लिए सब भला आदमी ईश्वर से कोई बात हो। मैं सोचता भाई थारी गणित को नहीं, मेरी भी को नहीं, मैं तो परमात्मा को सदमति थे, मैं मेरी जान में चाण कर रहा था, सब भले आदमी हो, मैं समझू भला आदमी, और मैं फिर वह समझे तो मैं इतना खुश रहता हूँ। कल पूछो मैंने कोई कोई एक दो है वो ठाकरा छोरा, वो खास मेरा भगत है, शुरू से बचपन मेरे साथ रहता, अभी और मोड़ बढ़ गया है, इंस्पेक्टर और मोड़ था पुलिस के जो चार हैं बी एस एफ के, वो चेक करता, तो वो मेरा भगत है, वो आता है, उसके लड़किया लड़के है वो मेरी भगत है, जयपुर में एक दो चार थे बातचीत, वो मेरा भगत है, वो मेरे पास आओगा हमेशा बातचीत करके लागा हमेशा। वो कहता कोई गुरुजी ये है वो समझाने को नहीं देखो, और वो कल से बोले अरे भैया वो पूरी दुनिया में नाम हो रही है, क्या समझो तुम बोले हो रहे हो, पूरी दुनिया मान रहा है बोलो थे उन्हें मानो के है, समझा नहीं, तो लोगों के सामने से बात है। अच्छा ये बात करता हूँ, बोलो तो नशे रामी है फजीत, तो मेरे में कोई गुना था गाँव का सबका मेरे को मानते हैं, ये क्यों मानना है, मेरे को बोले गुण मानने वाला हुआ है, समझा गया सीधी उनमें। तो आज आपको बता दिया मैं कि जो कुछ है सब कुछ आदमी के अंदर है, और ये शक्ति जो हर एक आदमी को पता नहीं है, इस तरह से। तो आज के सत्संग में मैंने क्या बताया आपको, विशेष बात बताई, विशेष बात बताई है, चूँकि जैसे आप बताया कि राधा किसको कहते हैं, तो राधा वही है, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि सूरत कहता है, बोलो मेरे लिए राधा स्वामी बराबर है, ठाकुर जी को मानते हो तो जो ठाकुर जी वही है, तो जो उसको आदि मानता है वो सब क्या सब ठीक है, और उसकी मान लेता यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ सब शक्ति उसमें है, कोई देवी में कोई भगवत में कोई भूत में कोई गुरु में, गुरु का जो प्रकट होते हैं वो गुरु नहीं कहते, भगवत का वो पैदा कर लेता, ठीक है ना, आगे समझ काफ़ी है।